हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं, कल मैंने आपको वीडियोस में सेट नंबर 11 पढ़ाया था और अब मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ सेट नंबर 12, ठीक है ना। सेट नंबर 11 में मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट के दौरान 10 क्वेश्चन दिए थे, जिनके आंसर मैंने आपको करने के लिए स्वयं के लिए बोला था, है ना। आज मैं उन्हीं के आंसर आपको देने जा रहा हूं, तो आप अपने उससे मैच कर लीजिए कि क्या क्वेश्चन में आपके कितने सही जा रहे हैं और कितने गलत जा रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका था कि न्यूट्रॉन रहित तत्व है, क्वेश्चन नंबर 1 था न्यूट्रॉन रहित तत्व है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका था कि कोयले का प्रकार है, कोयला किस प्रकार का होता है, कोयले के प्रकार में से आपका जो पीट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी नंबर पर जो ऑप्शन है, यानी पीट कोयला एक कोयले का प्रकार होता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए फर्स्ट बी। क्वेश्चन नंबर 4 है अक्रिय तत्व रखे गए हैं, अक्रिय तत्व 14 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी शून्य समूह में रखे गए हैं, शून्य समूह अक्रिय तत्वों को जीरो ग्रुप में रखा गया है, जीरो ग्रुप में। सवाल नंबर 5 अक्रिय तत्व, ठीक है ना, अक्रिय तत्वों को कहां रखा गया है, शून्य समूह में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रांसियम का नाम किस देश के नाम पर पड़ा, नाम से ही पता चलता है भैया फ्रांस के नाम से पड़ा हुआ है ना, फ्रांसियम का नाम फ्रांस के नाम पर पड़ा हुआ है। सवाल नंबर आपका जो 6 है वो ये है आपका कि सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु आपका ऑस्मियम होता है, क्या होता है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होता है। सवाल नंबर 7 है सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है, जो आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है उसी को, वही सबसे हल्का होता है, फिर पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। क्वेश्चन नंबर 8 पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। सवाल नंबर 9 CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखिए कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, हाइड्रोजन में एक, लेकिन 4 हाइड्रोजन, 1 × 4 = 4, 6 × 4 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 CO2 के बीच बंध कोण बनता है, CO2 की संरचना कुछ इस तरीके से होती है, ये CO2 की संरचना है, बॉन्ड एंगल कितना बना, 180 अंश, तो आपका जवाब होगा 180 अंश होगा, ठीक है ना। इस तरह से आपका ये प्रैक्टिस सेट के सॉल्व खत्म समाप्त हो गए और आगे चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे से। चलिए आगे स्टूडेंट्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 261 सेट 12 का। क्वेश्चन नंबर 261 से आज के जो क्वेश्चन है मैंने बहुत ढूंढ ढूंढ करके, बहुत छांट करके, बहुत सिलेक्टेड करके क्वेश्चंस बनाए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और ज्यादातर पीरियोडिक टेबल से संबंधित क्वेश्चन है, इनको देखिए और इनके आगे आंसर देखते हैं। कह रहा है कुल ज्ञात तत्वों की संख्या, ये लगभग लगभग सभी को मालूम होगा, है ना, कुल ज्ञात तत्वों की संख्या लगभग में 118 होती है, 118 होती है, किसी किसी बुक में 17 भी कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, है ना, तो लगभग जो है 118 होती है। प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या, प्रकृति में प्राप्त तत्वों की संख्या यानी जो प्रकृति में नेचुरल रूप से पाए जाते हैं उनकी जो संख्या, यानी टोटल 118 में से टोटल जो है वो 98 है ना, किसी बुक में 92 भी दे सकता है, किसी बुक में 92 भी दे सकता है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन का है, ठीक है। कृत्रिम तरीके से निर्मित तत्वों की संख्या, आप देखिए अगर प्रकृति में पाए जाने वाले 98 है, कुल कितने 118, तो कृत्रिम तरीका मतलब जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए, है ना, जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, तो कृत्रिम तत्वों की जो संख्या है वो कितनी होगी भाई, 8 × 8 घटा दीजिए तो ये हो गया 11 × 9 = 2 = 20, यानी 20 आ जाएगी कृत्रिम तत्वों की संख्या। कुल धातु तत्वों की संख्या, धातु तत्व कितने, यानी पूरी 118 तत्वों में से धातुएं कितनी है, उनकी संख्या आपकी होगी 91 तत्व ऐसे है जो धातु अवस्था में पाए जाते है, 265 है कुल अधातु तत्वों की संख्या, भैया 118 पूरे जिनमें 91 धातु हो गए तो बचे कितने, घटा दीजिए 8 में 1 = 7,
सॉरी 8 में 1 गया 7 और 11 में 9 गए 2, 27 तत्व ऐसे हैं जो अधातु है। 266 सर्वाधिक हल्की धातु तत्व, सर्वाधिक हल्का धातु तत्व कौन सा है? वैसे सर्वाधिक भारी तो अभी मैंने आपको बताया था ऑस्मियम होता है, लेकिन सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी होती है? वो आपकी है लिथियम, Li, लिथियम। द्रव धातु तत्व है, द्रव धातु तत्व कौन सा होता है? HG होता है, मरकरी होता है, जो हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है चांदी होता है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है जिसमें करंट का प्रवाह बहुत तेजी से होता है। विद्युत का सुचालक अधातु तत्व, वैसे आपको पता है कि धातु में विद्युत की सुचालक होती है और अधातुएं जो होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कोई एक हमने बताया था कि केमिस्ट्री में अपवादों की संख्या कम नहीं है, हर एक जगह पर अपवाद है। एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो आपका जवाब क्या होगा? विद्युत का सुचालक अधातु तत्व है ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपर रूप होता है, कार्बन का अपर रूप होता है ग्रेफाइट, ठीक है ना। सर्वाधिक आघात वर्धनीय तत्व है, सर्वाधिक आघात वर्धनीय, आघात माने चोट, वर्धनीय माने बढ़ना, यानी चोट मारने पर बढ़ना। जैसे आपने देखा होगा ना लोहार जो होता है थोड़े से पीट पीट करके लोहे को बड़ा आकार दे देता है, उसी तरह आघात वर्धनीय तत्व है आपका गोल्ड होता है, सोना होता है, जो सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय होता है, जिसके पतले से पतले तार बनाए जा सकते हैं। आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। आइए आगे चलते हैं 2671 पर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 271। कह रहा है सर्वाधिक क्रियाशील अधातु तत्व है, सर्वाधिक क्रियाशील अधातु तत्व, ऐसा कौन सा अधातु तत्व है जो सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है? तो आपका जवाब होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक क्रियाशील होता है। नंबर 272 सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व, सर्वाधिक क्रियाशील धातु तत्व, ये इसमें पूछा गया था अधातु तत्व कौन सा है, इसमें धातु तत्व के बारे में पूछा जा रहा है। CGM क्या नाम होता है? CGM, ये हो गया CGM और ये हो गया फ्लोरीन, ठीक है ना। आगे सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका होता है भैया? सबसे ज्यादा आयनन विभव आपका होता है HE यानी कि हीलियम का। किसका होता है? हीलियम का, क्योंकि इसका आकार सबसे छोटा है और इसकी बाहरी कक्षा पूर्ण भरी हुई है, इसलिए इसका आयनन विभव सबसे अधिक होता है। वैसे अक्री गैसें जितनी भी होती हैं सबका आयनन विभव अधिक होता है, क्योंकि उनका अष्टक पूर्ण होता है, अर्थात उनके बाह्य कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूनतम आयनन विभव वाला तत्व तो आपका CGM होता है, CGM ये लिखा हुआ है, CGM होता है न्यूनतम आयनन विभव। आयनन विभव न्यूनतम क्यों है? क्योंकि इसकी बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को जितनी जल्दी त्यागते हैं उनका आयनन विभव कम होता है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को जितनी देर से त्यागेंगे उनका आयनन विभव उतना ही अधिक होता है। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला तत्व तो आपका क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन है जो सबसे जल्दी, आपने कल पढ़ा था कल के टॉपिक में, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन। सर्वाधिक प्रबल आक्सीकारक तत्व, तो सर्वाधिक प्रबल आक्सीकारक तत्व तो आपका फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन है प्रबल आक्सीकारक के रूप में होता है। सर्वाधिक गैसों गैस तत्वों वाला वर्ग यानी समूह, हमने बताया कि पूरी आवर्त सारणी में 18 समूह है, 18 है ना, कितने 18 कॉलम है, ये 18 में से कौन सा उपवर्ग वर्ग ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा गैसें पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा शून्य वर्ग। क्या होगा? शून्य वर्ग। एक परमाणविक तत्व कहलाते हैं, एक यानी ऐसे तत्व जो अकेले रहते हो, किसी से संयोग नहीं करते, तो एक एक परमाणु के रूप में रहते हैं, वो भी आपका यही होगा शून्य वर्ग। क्या होगा? शून्य वर्ग के तत्व जो है एक परमाणविक तत्व कहलाते हैं, या कहते हैं अक्रिय तत्व। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, ऑक्सीजन, ठीक है ना। हड्डी एवं दांतों का निर्माण करने वाला तत्व मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, वैसे तो फास्फोरस का भी प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से कैल्शियम का प्रयोग होता है हड्डी और दांतों के निर्माण में। आगे सुनिए,
इस तरह से आपके 280 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आज का सेट फिनिश होता है। इसका प्रैक्टिस सेट देने का नंबर आ गया, टाइम आ गया, तो इनको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप तैयार करते रहे, आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं? आप बेहतरीन तैयारी कर लेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चनों में आप कहीं पर डिफीट नहीं खाएंगे। ओके, आइए देखते हैं आपको आज का प्रैक्टिस सेट। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट के 10 क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं, ठीक है ना? इनका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें और इनको सॉल्व करने की कोशिश करें। कुछ सारे क्वेश्चन आज जो है पीरियोडिक टेबल से लिए गए हैं और कहीं से नहीं है, ठीक है ना? तो आपको ये इनके जवाब देना है, क्लियर? और मेरे ख्याल से अगर आप ये 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अच्छे से तैयारी हो जाएगी, है ना? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके। और आप अपनी कंपटीशन SSC, नीट, PGT, PGT, रेलवे, ETC, कोई भी कंपटीशन के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन आपको तैयार, ठीक है ना? बहुत ही जल्द आपके पास बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आने वाले, बहुत ही जल्द आएंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन इसी तरह से, ठीक है? ओके, थैंक यू।